स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल बड़ा ऐलान किया। नीतीश ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और इसी पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार के साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, सीए बतौर सीए मानने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल ये एजेंडा ही नहीं, अभी तो सबसे पहले लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा। मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा इस संदर्भ में, उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने ही स्वयं प्रतिक्रिया दी है और बिल्कुल ठीक कहा है कि अभी हम लोगों का फोकस 2024 पर होना चाहिए। 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो 2024 ही हम सब लोगों के सामने है, हमारी पार्टी के सामने, गठबंधन के सामने। तो फिलहाल जो कुछ भी हम बात करेंगे 2024 को ध्यान। फिर ये 25 जो है 25 के लिए ये लड्डू क्यों थमाया जा रहा है तेजस्वी को? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके यादव वोट ट्रांसफर ना हो 24 के चुनाव में, इसलिए ये बताया जा रहा है कि देखो भाई, तुम हमको वोट दोगे तभी तुम कुछ बन पाओगे? देखिए, नीतीश कुमार जी हम सब लोगों के नेता हैं, पार्टी के महागठबंधन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक अलग विषय है उन्होंने क्या कहा नहीं कहा। फिलहाल तो 2024 पर ही अर्जुन की तरह हम लोगों की आंख लगी हुई है और उसी पर टोटल एनर्जी, टोटल फोकस 2024, क्योंकि आज के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है 2024। आप ही के मुख्यमंत्री जो है, जो नेता हैं, वो नेता घोषित कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री, तो क्या आप उनको मुख्यमंत्री मानेंगे? सवाल सीधा है, सीधा जवाब दीजिए कुशवाहा जी। आज का एजेंडा ही नहीं है नया, अभी तो 2024 की तैयारी में हम सब लोगों को लगना है, जो हम लोग लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में मुहिम। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से 2025 तक तय हो गया कि तेजस्वी इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, 25 तक तो नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। देखिए, इसमें कोई इधर उधर करने वाला नहीं है, इसलिए यह कहना कि कौन कब तक इधर उधर करेंगे यह बिल्कुल अनुचित है। चली आ रही है कि जेडीयू और आरजेडी के मर्जर की, हालांकि इसको बिहार से भी आगे ले जाने की बात हो रही है समाजवादी पार्टी और जेडीएस और ओम प्रकाश चौटाला की, आपको लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर हो जाएगा? देखिए, एक बार तो पहले भी कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, बहुत पहले, लेकिन उस वक्त तो उस कोशिश में असफल रहे बिहार से बाहर की पार्टियों के संदर्भ में। अब जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के मर्जर की बात, पार्टी में कहीं से इस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन अगर जो सुनी सुनाई बात जिसके आधार पर शायद आप भी सवाल पूछ रहे हैं, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती है तो मैं समझता हूं कि जेडीयू के लिए पूरे तौर पे आत्मघाती कदम होगा मर्जर की बात। हमको नहीं लगता है कि कहीं से ऐसा होगा, इस तरह का स्टेप कोई कैसे उठावेगा कि अपनी मौत खुद ही स्वीकार कर ले। तो जनता दल यूनाइटेड, गरीब लोग जो बिहार में करोड़ों की संख्या में हैं, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग भी, जो सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों की अरमानों की पार्टी है। तो वैसे लोगों की अरमानों को एकदम ढा करके, समाप्त करके कहीं मर्जर की बात हो जाए, यह कैसे संभव है? और एक तरफ आप मर्जर का कह रहे हैं कि आत्मघाती कदम होगा, ये एक तरह से मौत पर दस्तखत करना होगा, पर सवाल आप जो देख रहे हैं इस चीज को, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आत्मघाती हो जाएगा? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे वजह क्या, जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी की शुरुआत के बाद जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी बनी, तो इसके पीछे जिन लोगों का अरमान, जिन लोगों का सपना जुड़ा हुआ है, उनके चलते यह पार्टी आज भी काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। उनका सपना ही टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो कैसे फिर राजनीति का आखिर अर्थ क्या होगा? तो हमको इसीलिए लगता है कि ऐसा नहीं होगा। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, अब सीधा तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कुर्नी का जो रिजल्ट आया है उसका साइड इफेक्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो आप लोग का आधार वोट है वो खिसक रहा है? कुर्मी कोयरी, मैंने सुना कि कुर्मी ने लोगों ने भी वोट नहीं किया, बहुत सारे ऐसे जो आपके आधार वोटर थे वो नहीं किए। देखिए, कुर्नी के चुनाव में जो कुछ भी हुआ, यह बात ठीक है कि हमारे आधार वोटर को जितनी मजबूती के साथ वोट करना चाहिए था उसमें कमी दिखी है, लेकिन फिर भी हम अंतिम निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचे हैं कि
क्यों हम हार गए कुरहन्नी में, उसके लिए हम लोग अलग से समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद ही हम बता पाएंगे। जहाँ तक साइड इफेक्ट का सवाल है, तो साइड इफेक्ट नहीं, पार्टी शुरुआत से जिन उद्देश्यों को लेकर चल रही, उन उद्देश्यों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो ऐसा कोई कैसे चाहेगा। पर सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अब दार्शनिक हो गए हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि न पीएम बनने की इच्छा है न सीएम बनने की इच्छा है, तो आपकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी पार्टी को संभाल सके, आपकी पार्टी को आगे बढ़ा सके, जो आपकी अपनी पार्टी को वो सौंप रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी नेता हैं हम सब लोगों के, तो अपनी इच्छा से वो नेता हैं और अपनी इच्छा से नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़े होता है। पार्टी ने उनको नेता बनाया और पार्टी है, आज भी वो नेता हैं, आगे भी नेता रहेंगे। इसलिए दार्शनिक होकर कुछ बोल देंगे तो इसका अर्थ यह थोड़े कि हर स्टेज में अंतिम रूप से उनकी जो बात होगी पार्टी के तमाम लोग कुछ और चाहेंगे और नीतीश जी कुछ और चाहेंगे, ऐसा हो जाएगा। नीतीश जी भी पार्टी की भावना का ख्याल करते हैं। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसा लग रहा है जैसे वो सरेंडर मोड में चले गए हों, पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हों लालू यादव एंड सन्स के सामने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह कहना उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी नेता हैं, हम सब लोगों के नेता हैं और इस रूप में उनकी बात की व्याख्या की जाए मेरी समझ से मुनासिब नहीं। एक सवाल हमेशा से उठता रहा है और मेरा फेवरेट सवाल आपसे रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक समय में बिल्कुल सीएम पद के उम्मीदवार थे और सीएम के तौर पर आपको लोग जहां जाते थे, हमारा नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, इस पार्टी में आके कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे आपके हाथ से निकलते जा रहा है? कहीं ना कहीं वो दिख रहा था कि अब आप सेकंड इन कमांड रहेंगे पार्टी में, वो खत्म हो रहा है, क्या आज भी आपको लगता है कि अब आप सीएम बन सकते हैं? नहीं देखिए, सवाल व्यक्ति का मामला नहीं है और उस रूप में हम अपने को कभी देखते भी नहीं रहे, आज भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, जो लोग हैं जो समर्थक हमारी पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के, या जो पहले से हमारे साथ RLSP जब हम चलाते थे तब, उन लोगों की भावना के अनुकूल उनके हितों की रक्षा कैसे हो यह हमारी प्राथमिकता होती है। अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इनके हितों की रक्षा कैसे हो यह हमारी प्राथमिकता है। हम क्या बन जाए यह हमारी प्राथमिकता नहीं। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को तो टूक ABP न्यूज पर सबसे पहले यह खबर कि कैसे यह आत्मघाती कदम हो सकता है मर्जर का, तो जाहिर है कि जो बेस है उसी में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आगे भी क्या होगा, तेजस्वी के नेतृत्व को क्या वो स्वीकार करेंगे, इस पर भी उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। अभी तो बात 24 की हो रही है, तो जाहिर है कि JDU और RJD के बीच में जिस तरह से तनातनी अब शुरू हो गई है और खास तौर से नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अब उनकी पार्टी के ही लोग नहीं पचा पा रहे हैं। आदर्श, बिल्कुल प्रकाश, और भी क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं नीतीश कुमार के इस बयान के बाद, ये भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।